तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल आई नॉलेज पे। तो मैं दोस्तों आज आपको ये बताऊंगा कि कैसे रेडमी 3S प्राइम का जो MI अकाउंट रहता है उसको हटा सकते हैं, वो भी बिना किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर जैसे मिराकल बॉक्स हो गया या फिर बिना किसी EDL केबल को। मैं आपको सिंपली इसको कंप्यूटर एक नॉर्मल डाटा केबल से इसे MI अकाउंट को हटा के बताऊंगा। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि इसमें MI अकाउंट का MI लॉक लगा हुआ है, देख लेते हैं। चेकिंग चेक कर रहा है कि इसका इससे मोबाइल से कोई अकाउंट जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो चेक कर लेगा थोड़ी देर में। हाँ, बता रहा है कि एसोसिएटेड विद एग्जिस्टिंग MI अकाउंट ID ये रहा। देखते हैं इसे कैसे हटाते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इससे पहले स्विच ऑफ करना पड़ेगा, तो स्विच ऑफ कर लीजिए, पावर ऑफ। तो पावर ऑफ हो गया, अब इसे वॉल्यूम अप और पावर दबाए रहिए। बस छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा, उसके बाद हमें इसमें डाटा केबल लगा ले रहे हैं। मैंने डाटा केबल लगा लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं डाटा केबल हमारा लग चुका है। उसके बाद हमें सिंपली यहाँ पे डाउनलोड लिखा हुआ है, डाउनलोड मोड पे क्लिक करना है और इसे EDL मोड में लाना है। बहुत ही आसान तरीका है, तो डाउनलोड मोड पे क्लिक कीजिए। ये अभी चला गया है डाउनलोड मोड में। अब यहाँ पे हम आते हैं अपने कंप्यूटर पे। फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पहले अपना डिवाइस मैनेजर एक बार ऑन कर लेते हैं और यहाँ पे EDL जो क्वालकॉम का पोर्ट होता है EDL मोड वाला, वो दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, हम वो चेक कर लेते हैं। यहाँ हमें पोर्ट्स में क्लिक करना है, यहाँ पे क्वालकॉम HS USB QC लोडर 9008.6 दिखा रहे हैं, मतलब सही है। तो इससे हम अब हमें MI फ्लैश टूल ऑन करना है। फ्रेंड्स, आप मेरा MI फ्लैश टूल का वर्जन देख लीजिए, आप भी सेम वर्जन डाउनलोड कीजिएगा तभी सही से काम करेगा, नहीं तो उसके बाद सब वर्जन बहुत ठीक से काम नहीं करते हैं। यहाँ पे हमें फाइल सेलेक्ट कर लेना है, तो हम फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं हमारी जो फ्लैश फाइल है। फ्रेंड्स, ये जो फ्लैश फाइल होती है उसमें कुछ इस टाइप की होती है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस टाइप का कुछ रहता है, सब ओके कर दीजिए लोकेशन को देख के। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, यहाँ पे हमारा कॉम पोर्ट शो कर रहा है, उसके बाद हमें फ्लैश पे क्लिक करना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया है, कुछ हमें कुछ एरर भी नहीं आया है, जबकि मेरा फोन MI अकाउंट से लॉक्ड है और मेरा जो बूट लोडर है वो भी अनलॉक्ड नहीं है। अगर आप फास्ट बूट मोड बोर्ड पे इसको आप फ्लैश करोगे तो ये कभी भी फ्लैश नहीं होगा, क्योंकि फास्ट बूट मोड पे फ्लैश करने के लिए आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए, और इस केस में हमारा बूट लोडर तो अनलॉक है नहीं। तो आप देख सकते हैं ये EDL मोड में फ्लैश हो रहा है, तो इसे हम हो जाने देते हैं, मैं वीडियो को स्किप कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, हमारा यहाँ फ्लैशिंग डन हो चुका है, यहाँ सक्सेस लिखा गया है। अब हम अपने फोन को यहाँ से निकाल सकते हैं, अभी भी हमारा फोन EDL मोड में है, यहाँ केबल निकालना है और बस हमें अपने फोन का पावर बटन को प्रेस किए रखना है। थोड़ा टाइम लग सकता है इसे फर्स्ट बूट होने में और इसको वाइब्रेट करने में भी शुरू में टाइम लग सकता है, तो आप डरिएगा मत, बस प्रेस दबाए रहिएगा इसको। वाइब्रेट हो चुका है, थोड़ा टाइम लिया लेकिन हो गया। तो फ्रेंड्स, हमारा पूरी तरह से फोन फ्लैश हो चुका है EDL मोड में। आपने देखा कि मैंने कोई भी EDL केबल नहीं लगाया, ना ही कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया, बॉक्स वाला मिराकल बॉक्स या फिर Z3 बॉक्स
ऑक्टोपस बॉक्स मैंने नॉर्मली फ्लैश किया, तो देखते हैं कभी यहाँ पे हमारा एम आई अकाउंट हटाया कि नहीं हटा, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, तो मैं इसको वीडियो को थोड़ा पोस्ट कर दे रहा हूँ, नहीं तो मैं हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा खामा खा। तो फ्रेंड्स हमारे फर्स्ट बूट हो चुका है, नेक्स्ट करेंगे, स्किप करने का यहाँ ऑप्शन आ रहा है, एग्री कर लीजिए, नो कर लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किप सेकंड का ऑप्शन आ चुका है, तो हमने मतलब सक्सेसफुली एम आई अकाउंट बाईपास कर दिया है। फ्रेंड्स इतना अच्छा, अगर आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर तो आप लोग करेंगे नहीं कोई बात नहीं चलेगा, मैं खुद सलाह नहीं करता हूँ, शेयर तो आप लोग करेंगे, बाकी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अलाव अलाव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए, तभी तो मुझे हौसला मिलेगा अगर वीडियो बनाने का। एग्री यस कर दीजिए, सेटअप कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए, हमारा फोन रेडी हो चुका है।